बहुत होनहार है आपका बेटा।
और इसी भंगार की आड़ में हमारा असली धंधा चलता है, और उस काले धंधे पर जो सोने की वरक चढ़ी है उसे कहते हैं भैरू सोलंकी, द किंग ऑफ अलंग। तुम लोगों का काम है मेरा माल दरिया से सही सलामत मेरे ठिकाने पर पहुंचाना। वो तुम पर हमला करेंगे, बार बार करेंगे, निपट लेना। खाली पेटी लेके आया है, बहुत भाग गया है, बहुत बहुत आ चुका है, बहुत बहुत। अगर डर गए तो वो मार डालेंगे, लेकिन अगर खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा जिंदा। उनसे तो शायद बच भी जाओगे, लेकिन मुझसे कोई नहीं बचेगा। कब तक भागूंगा? बरेली के बाजार में।
करो, ये तेरा भाई काम ही इतना डेंजर करता है, दिन रात हथेली पे जान लेके घूमता रहता है। पिक्कू भैया। पिक्कू नहीं यार, सिक्कू। यार अजय समझाओ अपनी बहन को, ये नजर उतार रही है कि नजर से उतार रही है? सॉरी सिक्कू भैया, बुरा मत मानना, पर नजर उसकी उतारी जाती है जो औरों को बचाता फिरता है और खुद अपना ध्यान नहीं रखता। सगे भाई को छोड़कर शिवा की नजर उतार रही है। ऐसी बात नहीं अजय भैया, आप सगे से लीक चानस सिर्फ आपको ही मिलेगा और किसी नहीं। अच्छा, कैसा चानस? कल सुबह स्कूल जाके मेरी फीस भरने का। वो तूने ये काका की दुकान का बल्ब देखा है? हमारी जिंदगी की तरह है, जलता बुझता रहता है। इसका कुछ नहीं हो सकता भाई, 50 बार ठीक करा चुका हूँ। ओ काका, कड़क मीठी आण दो। हाँ हाँ ठीक है। अरे क्या काका, वही क्रिमिनल ऑब्लिगेट बूंदी के लड्डू का बनाओगे? कोई फायदा नहीं भैया, देखा नहीं था पिछली बार लड्डू बनाए थे, लड्डू से भरी पूरी की पूरी पत्ते ये पतला खा गया। पगार से भी तो काट लिए थे और मैंने सब नहीं खाए, एक बचा था वो आपने खा लिया। कहाँ चल रही है सेठ जी? देखो काका, अपना सब काम टाइम टू टाइम होता है। सुबह 6 से 9 काठिया की ड्यूटी, 9 से 12 आपकी ड्यूटी, 12 से 3 मेरी माँ की ड्यूटी, 3 से 6 आपकी ड्यूटी, फिर 6 से 9 काठिया की ड्यूटी। हाँ अबे तू लड़का है या सिनेमा हॉल? 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, अगर हम हमारे घंटे ऐसे बढ़ने लगे तो सोचो क्या होगा यार। तुम फुकट का चाय पी के टाइम खोटी नहीं करते। तू आज मुंह मत खोल, तेरा दिन आज ठीक नहीं जा रहा है। गप्पू, गप्पू। हाँ, कहाँ जा रही हो? मैं आ रहा हूँ ना, तुम्हें दिखता तो है नहीं, अगर तुम कहीं गिर जाओगी तो? कितनी बार कहा है बाहर मेरे बिना मत निकला करो, मैं यही हूँ ना, मुझे एक आवाज दो मैं आ जाऊंगा। अरे मैं तो बस दरवाजे तक ही आ रही थी गप्पू बेटा। हाँ, ये दरवाजा अंदर खोलो तो घर है, बाहर खोलो तो सड़क है। अगर तेरे मामा का पता चल जाता तो तुझे इस उम्र में इतना काम नहीं करना पड़ता। मिल जाएगा माँ, अभी पूरी भाजी मिली है, चलो खाओ। मामा नौकर के हेटले पूरी मड़े के हेटले। मुट्ठी तान रहा था उसके सामने, आंख
आँखियाँ दिखा रहा था उसको। भूल गया क्या बोला था भैरव सोलंकी ने? भूल गया वो पहला दिन जब हम लोग यहाँ पर आए थे? उसके सामने सर उठाओगे तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आंसू होंगे हमारे और खून हमारे अपनों का होगा। अगर जिंदा रहना है ना शिवा, तो ऐसे ही जीना पड़ेगा सर झुका के, समझा ना? कब तक? वो मरते दम तक। चल घर चल, चल। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। चलो तुम लोग। क्या पटेल साहब, काम भी नहीं किया, पैसा भी नहीं दिया, कितने दिन से फोन कर रहा हूँ? दूंगा। कब दूंगा? अरे कब? फोन चल। अरे कितना लेट किया तुमने, बैठे बैठे भूख लग गया। क्या लग गया? भूख? हाँ, जो भी खाने का लाया रख दो इधर। साहब जी, कुछ पता चला इनकी माँ जी और भाई के बारे में? पूरे डिस्ट्रिक्ट में दो लोगों का पता लगाना हलवा है क्या? एक फाइल खोलो तो चार नहीं बन जाती है, समझे? इसलिए मैं कहता हूँ वैसा करो, तुमको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन? हाँ, मेरी बेटी आ रही है सपना, उसको उठाना है। आपकी बेटी को उठा के लेके आना है? अरे डफोड़, उसको यानी उसके सामान को उठाना है। अच्छा अच्छा, और तमीज से बात करना उससे। क्यों? मतलब क्योंकि वो मेरी बेटी है और पोस्ट में मेरे से भी ऊपर है। अच्छा, इसीलिए कलेक्टर की पीए है। क्या है? पीए है। कलेक्टर के पीए है वो। कुछ जो काम बाप से नहीं हुआ, हो सकता बेटी करके दे दे। ए, क्या? सपना पटेल। मैडम ठीक से बोर्ड पकड़ना भी नहीं आता और क्या खंबे की तरह खड़े हो? सामान निकालो मेरा। मैंने वो बात ये है ना कि हमको लगा पटेल साहब की बेटी आ रही तो थोड़ा समोसे खाते हुए आएगी। जबान मत चलाओ, रिक्शा बुलाओ। हाँ बस बस, ये गेंदे का घर, गेंदे के फूल वाला घर। चलो भाई सामान ऊपर रख देना अच्छे से। कहाँ जा रहे हो? शाम को डांडिया पे जाना है, मुझे डांस पार्टनर चाहिए। पटेल का नाटक वधारे थे क्यों छे? एक साल से अपना काम लटका रखा है। पैसा वापस मांगो तो दूंगा 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 कहीं छे। उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मारी पास एक बाकी खबर छे, उसकी दिक्री दिल्ली से आई है। बोलो। किडनैप कर लो। वो तो कर लेंगे, लेकिन लेकिन क्या? आप अपना मुंह बंद रखना। ये ब्लैक एंड व्हाइट में शतरंज के पैदे नहीं लग रहे हम? जरूर
मिल जाएंगी, तुम टेंशन मत लो। मैं ये फोटो ले सकता हूँ? मारने से इनकी हिंसा की भावना को शांति मिलती है तो मारो, चलो मारो मारो।
बस कीजिए, ये पार्टी मीटिंग है, कोई मच्छी बाजार है क्या? भैरो सोलंकी, तुमने कांतिलाल पर हाथ उठाया, इनकार है तुम पर। इतनी जोर से क्यों मारा? अरे दाढ़ी थी, बच गए, नहीं तो दो तीन दांत तो अभी गिर जाते आपके। नहीं, इसने मुझे नहीं अपने पॉलिटिकल करियर को थप्पड़ मारा है, मेरे दिल्ली पहुंचते ही इसका खेल खत्म। तू तो गया सोलंकी, यू आर फिनिश्ड। टिकट मिल गया मेरे। राजनीति और गुंडागर्दी में फर्क होता है, समझ लो, सुखी रहोगे। जय भवानी मोटा भाई। टिकट मिल गया? नहीं, सब गड़बड़ हो गया। बोलो ढोलकी नु कड़किया गेम करेंगे, उसको तो मैं बाद में देख लूंगा मोटा भाई, लेकिन अगर ये तारकेश्वर दिल्ली पहुंच गया ना तो टिकट पक्का नहीं मिलेगा। जय भवानी। कुछ भी छापते ये न्यूज़पेपर वाले, ट्रेन में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ? त्रिपाठी जी को मेरे मोटा भाई भवानी प्रसाद सोलंकी ने मारा। मिनिस्टर, तुमने सही कहा था, राजनीति और गुंडागर्दी में फर्क होता है, समझ लो, जिंदा रहोगे। तुझे पता है आदमी की खूबसूरती का राज क्या है? क्या? बाल। तेरे पास नहीं है? जो तूने किया है ना, उसके बाद मां तुझे
ये क्या सर मुंडवा लिया? आज भैया की बरसी है ना, और बड़ा भाई तो पिता की जगह होता है, इसलिए मैंने सर मुंडवा लिया। ये पंडित जी ने गंगा जल दिया है शिवा की आत्मा की शांति के लिए, ध्यान से रखना। जी माँ। मैं ब्राह्मणों को खाना खिला के आती हूँ। ठीक है माँ। बारह साल पहले मैंने माँ से कहा था कि तू मर गया, लेकिन तेरे भूत ने मेरा पीछा आज तक नहीं छोड़ा। जितनी बार मैंने माँ के दिल से तुझे निकालने की कोशिश की, उतनी ही सिद्धि तेरी यादें थी जो आज तक नहीं गई। तू मर कर भी नहीं मरा और मैं जी कर भी जी नहीं पाया, लेकिन अब तुझे मरना होगा शिवा, और तेरे लिए माँ के संधे प्यार को भी, सब खत्म होगा। तू, तेरी यादें, तेरा प्यार, सब कुछ। हाय शिवा। हाय शिवा, यहाँ कोई मंजू बहन रहती है? ना, मेरी मम्मी का नाम है। क्या बात है, क्या हुआ? अरे नाना, एकदम गुड न्यूज़ थे। दुबई से एक सुनील प्रजापति की एप्लीकेशन आई है कि उनकी दूर की बहन मंजू और उनका भांजा गप्पू यहाँ रहते हैं, और वो उनको यहाँ से दुबई बुलाना चाहते हैं। सुनील मामा दुबई में है? हाँ, और अगर तुम और तुम्हारी मम्मी जाना चाहते हैं तो हम सारी व्यवस्था कर देंगे। मेरा भाई बरसों से खो गया था, इन आँखों की रोशनी के साथ उससे मिलने की उम्मीद भी चली गई थी, लेकिन आज आपने मिला के बहुत बड़ा एहसान किया है बहन। आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मेरा काम है। आप बस जाने की तैयारी कीजिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ख्याल रखना मम्मी का। ओके गप्पू? ओके, चलती हूँ। बाय शिवा। बाय एवरीवन। अरे अब तो दुबई जाके बड़ा सेठ बन जाएगा गप्पू। सेठ? दुबई में सेठ नहीं, शेख होते हैं। अच्छा गप्पू शेख, ये बता दुबई जाके हमको भूल तो नहीं जाएगा? कैसे भूल जाऊंगा, फोकट में इतना चाय पिला है। लेकिन काठिया, वो जाने देगा इसे? जब किस्मत में गुलामी लिखी है तो कोई क्या कर सकता है। इससे अच्छा तो होता कि ऊपर वाला ऐसी छुट्टी उम्मीद ही नहीं दिखाता। काठिया से मैं बात करूंगा, मना लूंगा उसको। सर शिवा, तुम बात करोगे? खाओ कसम। सच्चे दिल की नियत 100 कसमों से बड़ी होती है। ना, मैं छोड़ूंगा। अरे तेढ़ फुटिया मेरा फेवरेट मालिश वाला है, उसके छोटे छोटे हाथों में ना जादू है कि मानस एकदम रिलैक्स थाई जाए। और ये दुबई जाएगा तो मेरा मालिश कौन करेगा? तू करेगा कि तेरी बहन का भेजेगा? तू करेगा? तू बोल। ए हीरो, खानदानी मालिश वाला लगता है। लेकिन पाँव कौन दबाएगा बे? तू अगर छोकरी होता ना तो तेरे को परमानेंट बना के रखता और फुल बॉडी मालिश करवाता। ए डेढ़ कुटिया, तू तो वही जा सकता है। शिवा भैया कहाँ है? शिवा मार्केट गया है तेरे लिए नए कपड़े लाने। मामा ना घरे जवानो, नवी वावा पेरी ने। बरोबर ने? बरोबर। हाँ, काकी काका ने मारवानो ना है। आज बदमाश। एक अप्पू भैया। सोचे? हाँ दे। मारो है क्या? ये लड्डू बनाए हैं, मामा ने घरे ले जावा दो। जा, ध्यान रख जी, जा। तब बोला था।
अभी नहीं चलेगा तो पूरा लाइफ इधर ही खत्म हो जाएगा। चल अपन को ये ना बोले। सिको कब तक? आज जवाब मिल गया। Thank you.
ये सब काले धंधे नहीं करने हैं। जो हो गया हो गया। आप भैरू सोलंकी को बोल दीजिए कि हमें और तंग ना करें। कैसी बातें कर रहा है शिवा? अरे तेरे पास वो जिगर है जिससे तू लाखों कमा सकता है, पर मैं करोड़ों। भैरू को छोड़ो, मेरे लिए काम कर। नहीं साहब, हम लोगों ने नक्की कर लिया है, हमें ना भैरू सोलंकी से कुछ चाहिए ना आपसे। चलो शिवा, एक मवाली को मारकर खुद को लीडर मत समझ। लीडर हम हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग पलते हैं, तू भी पल जाएगा। काठिया के बाद भैरू, भैरू के बाद कांतिलाल, बॉस बदलेगा, तेरी औकात नहीं बदलेगी। रिंगाना शुरू हो गया, क्या बात है। चलो पुलिस नहीं जाएगी। वही हुआ जो मैं सोच रहा था, भैरू और उसके आदमी तेरी बस्ती उजाड़ रहे हैं और पुलिस को मैंने रोक रखा है। क्या दिखा अपनी लीडरी? एक बच्चे के लिए तुमने मेरे आदमी को मारा है, आज से एक भी बच्चा बस्ती में नहीं आएगा, एक भी नहीं। सबके सबको बस में। Thank you.
बरसों से अपने साथ बेनामी धंधा करने वाले भी अपने से कन्नी गाड़ के उसके तरफ चले गए। छत्रपति जी, पावर की लड़ाई में नुकसान तो धंधे का होता है ना, आप हमको और हमारे धंधे को सेफ्टी दे दो, हम आपको डबल पैसा देने के लिए तैयार हैं। हाँ भाई, भैरव की जगह अगर भवानी आ गया तो सब सत्यानाश। मैं तो कहता हूँ बार बार जिस धंधे की दुहाई तुम दे रहे हो, वो धंधा वो पैसा इन्हीं गरीबों की मेहनत का नतीजा है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इनको लूट लूट के तुमने अपने घर और गोदाम भरे हैं, वो पूरा वापस लौटाना होगा। आज से तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है और ईमानदारी से काम करना तुम्हारी। भैरव की अस्थियां बहाने से पहले मुझे उसका सर चाहिए। मार दो उस लुटेरे को, मार दो बाबू। रघु काका, ये आपका राशन कार्ड। धन्यवाद, ये तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है शिवा। अब हम निराशी नहीं रहे, बाकायदा हिंदुस्तान के हक से नागरिक बन गए हैं। हमारे पुरखों की बाटी ने हमें अपना लिया है। खुश रहो बेटा।
कैसे मारना है ये मैं बताऊंगा। वो तो मैं मारूंगा ही, पर उससे पहले ये पता टक ले कि तेरे और छत्रपति के बीच में रिश्ता क्या है। वही जो स्त्री की धार और बाल की जड़ का होता है। अगली बार सिर्फ शिवा को नहीं, हम सबको भी खाना चाहिए भाई।
खत्म कर लो। इसे मैं देखता हूं। चल जाओ।
कुछ बोल दे। एक बार आप पैसा बाहर आइए प्लीज, प्लीज बाहर आइए। आपके बेटे को जो हॉस्पिटल लेकर आए वो वहीं खड़े हैं छत्रपति। छत्रपति तुम वही हो ना जिसकी लोग जय जयकार करते हैं? इस औहदे का मतलब भी क्या है जानते हो तुम? छत्रपति तो वो होता है जो औरों के लिए जीता है, ना कि वो जो अपनी बुराइयों पर उंगली उठाने वाले की जान लेता है। तुम्हारी भी माँ होगी छत्रपति, जाकर पूछो उसे। अपने बच्चे को खरोच भी आती है तो माँ का कैसे कलेजा फट जाता था? और तुमने तो मेरे बेटे को गोली मार दी। तुम होगे बड़े आदमी, जज कानून वकील पुलिस सब जेब में रखे होंगे तुमने, लेकिन एक माँ की हाय से स्वर्ग में बैठा हुआ भगवान भी कांप उठता है। तुम्हारे कर्म तुम्हें जिंदगी भर रुलाएंगे, याद रखना। सपने देखे थे मैंने माँ के लिए, उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, और वो यहाँ पर इस हालत में। परेशान क्यों हो रहा है? अब तो तू छत्रपति है, कुछ भी कर सकता है, अपने भाई की मदद क्यों नहीं करता? नहीं यार, मुझसे वो बचपन से नफरत करता है, मर जाएगा पर मेरी मदद नहीं लेगा। अब क्या करेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। अशोक भाई, हमने तो नक्की किया है कि हमारे हर धंधे में आपकी भागीदारी रहेगी, नाम आपका और पैसा हमारा, फायदा 50-50। दो चार महीने में तो आप करोड़पति बन जाओगे। मुझ जैसे रोडपति को करोड़पति बनाने का कारण आपकी हिम्मत, आपका जिगर। छत्रपति से पंगा लेकर भी आप जिंदा हो। हमको तो इतना पता है कि अगर कोई छत्रपति के सामने खड़ा रह सकता है तो तुम ही हो अशोक भाई। और अगर छत्रपति रास्ते में आया? नहीं आएगा। जहाँ मेरा पांव पड़ेगा वो खुद पीछे हट जाएगा। छत्रपति जी, आपने जो करने के लिए बोला था वो कर दिया, और कोई सेवा हो तो बताइए। अशोक को बोलो माँ के लिए सी फेसिंग बंगला बनाए। वो ऐसे घटिया आदमी के लिए क्यों करना चाहते हो? उससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। Thank you.
भाई को मैं खुद खत्म करूंगा। इसी वक्त परोल का इंतजाम करो। सॉरी बापू, आपके केस में चांस ही नहीं है, बहुत ही इमरजेंसी हो तो। तू पेपर बना वकील, इमरजेंसी मैं बनाता हूँ। इतने साल हो गए, सब कहते हैं कि आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे, आपको उम्र कैद की सजा होगी। अगर तुम्हारे मंगलसूत्र में ताकत है तो मुझे कोई जेल में नहीं रख सकता। अब क्या होगा? क्या होगा? कुंवर बा को हार्ट अटैक आया, वो चल बसी, इमरजेंसी। परोल जैसे बड़े आदमी को यहाँ पांव तो नहीं रखना चाहिए था, लेकिन तुझे पर्सनली इनवाइट करना था तो आना पड़ा। मेरे नए बंगले की वास्तु पार्टी है। क्या है ना शिवा, हर अमीर आदमी रईस नहीं होता। तेरे पास पैसे तो है पर क्लास नहीं। क्लास क्या होती है ये तुझे मेरी पार्टी में आके पता चलेगा। तुम सभी आना, ऐसी पार्टी कभी देखी नहीं होगी। शिवा, ये पार्टी तो बहाना है, असल में अशोक ने हमारी बेइज्जती करने को बुला रहा है। जानता हूँ, लेकिन तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही जाऊंगा। अकेला क्यों? 100 बार तूने इज्जत की रोटी खिलाई है, एक बार इज्जत का फालूदा हो जाने दे। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ना 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 ना, यही रुको, अंदर कहाँ चले आ रहे हो? हाँ, घर के अंदर सिर्फ VIP की एंट्री है, बस्ती वाले और नौकरों का खाना बाहर लगा है। तुझे क्या लगा, तुझे मैं घर बुला लूंगा तो हमारे बीच बराबरी हो जाएगी? नो वे। क्या है ना, बड़े बड़े घरों में छोटे लोगों को खिलाया पिलाया जाता है। क्या मिलता है? पुण्य। किसी को मार के गुंडा बनना बहुत आसान है, लेकिन मैंने अपने खुद के दम पर ये एम्पायर खड़ा किया। बहुत फर्क है तेरे और मेरे बीच में, और यही फर्क दिखाने के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया था। अशोक, संभाल अपनी ज़बान। ये क्या बक? खाना खाओ और दफा हो जाओ। अरे अरे, संभाल के। खत्म, माता के मंदिर गए, मैंने वहां बम लगा दिया।
आधे घंटे में माँ बेटे दोनों बूम। शिवा फोन। हेलो, अरे आप लोग इतनी जल्दी में निकल गए कि मैं आपको ठीक से बता भी नहीं पाया। तख्तेश्वर महाराज के मंदिर में फटेगा बॉम्ब, माता मंदिर में नहीं। अरे माफ करना, अभी माता मंदिर, तख्तेश्वर महाराज मंदिर, इतने मंदिर हो गए कि मैं जेल में रह के भूल गया, कंफ्यूज हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अभी भी कंफर्म किया है, वो लोग जगन्नाथ मंदिर गए। छत्रपति से बोलो जगन्नाथ मंदिर जाए। वो क्या है ना कि बम फटने में सिर्फ 7 मिनट रह गए। सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाए, मेरा बिजनेस खड़ा किया, बस यूं समझ लीजिए मेरे बड़े भाई जैसे। देखो माँ, आज तुम्हारे सामने फिर से तुम्हारे दो बेटे खड़े। अब हमारी नई कंपनी अशोक भवानी कंस्ट्रक्शंस पूरे गुजरात में बिल्डिंग्स बनाएगी। ये तो बहुत अच्छा है बेटा। देखो अशोक, जैसे इन्होंने तुम्हारी मदद की, वैसे तुम भी सबकी मदद करना। कभी किसी के साथ दुश्मनी मत मोल लेना। दुश्मनी और हमसे? नहीं नहीं माता जी, आपका आशीर्वाद तो हमारा कवच है, और माँ के आशीर्वाद को मिटाने की हिम्मत कौन मूर्ख कर सकता है। जब तक आप हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो बेटा, आप भी आइए। अशोक, तू उसके साथ क्या कर रहा था? कौन? भवानी प्रसाद जामनगर का शेर है और मेरा पार्टनर है। कुछ नहीं है वो। देख अशोक, तू उसको जानता नहीं है, मेरी और उसकी पुरानी दुश्मनी है, वो अच्छी तरह से जानता है। तू मेरी कमजोरी है, तेरी वजह से माँ की जान खतरे में पड़ सकती है। तो मरने देना, मरेगी तो मेरी माँ मरेगी, तेरा क्या? कमाल है, ये तो खुद ही आके फंस गया। पकड़ो इसे। अशोक, 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 बेटा क्या हो गया? माँ, वो छत्रपति मुझे मार देगा। माँ, अशोक, अशोक दरवाजा खोल। तुम चलो यहाँ से, तुम चलो मेरे साथ। अशोक, अशोक, आइए ही मत, आप आइए, बैठिए, जल्दी बैठो माँ। सरहद पार से आए हो, मेरे भाई के मरने पे तुमने होली मनाई।
ज्यादा गरीब और बर्बाद और लाचार। मजा आ गया। सुना है कि तू मालिश बहुत अच्छी करता है, चल वही सही। नहीं 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 बापू, मालिश नहीं, मालिश बिल्कुल नहीं, इसके हाथ से तो बिल्कुल नहीं। रवि दियो। क्यों, तुझे करवानी है? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मालिश से क्या तकलीफ है? जिसने भी इसके हाथ से मालिश करवाई ना, वो ऊपर गया। मजा आ गया। शुरुआत में मजा ही आएगा। देख लो, ये तो शुरुआत है, असली तमाशा अभी बाकी है। कल सुबह तुम्हारे इस छत्रपति का वरघोड़ा निकलेगा। वरघोड़ा समझते हो ना? बारात। गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए ले जाऊंगा इसको। अलंग की हर गली से होकर ये बारात पहुंचेगी शमशान। आज के बाद यहाँ एक भी निराशी का घर नहीं बचेगा। 24 घंटे में मुझे ये बस्ती खाली चाहिए, वरना इस बस्ती के साथ साथ तुम लोगों को भी चलाकर खाक कर दूंगा। ए शिवा, आज तुझे जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तू खुद ये बस्ती खाली करवा के मेरे हवाले कर दे। आज से ये बस्ती और तेरी हस्ती दोनों खत्म। भाइयो, छत्रपति की मौत की बारात निकलने वाली है। मजा आ गया भाई, मोटा भाई एकदम जबरदस्त। और उसके बाद किंग ऑफ आलम अशोक। वो आ गया। लेकिन कैसे? वो यहाँ आ तो गया है, लेकिन जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। पकड़ो उसे।
क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ा है तू? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? ये तुझे कहाँ मिला? पता कहाँ मिला? ये तुम्हारी शिवा का है। पता मुझे, ये तूने शिवा से चुराया ना? कहीं तूने उसे भी तुम्हार नहीं डाला? पता मुझे, तुझे तेरी माँ की कसम। बोल। सच्चे दिल की नीयत 100 कसमों से बड़ी होती है माँ। माँ सच्चे दिल की नीयत 100 कसमों से बड़ी होती है। मैंने तुझे अपने हाथों से गोली मार दी, ये मैंने क्या कर डाला? तुम्हें सामने था और मैंने तुझे पहचाना नहीं। जीते जी तेरा श्राद्ध करती रही, तुझे बद्दुआ दी। नहीं माँ, तुम्हारे मुंह से निकली बद्दुआ भी मेरे कानों तक पहुंचते पहुंचते दुआ बन जाती है माँ। तो चल शिवा, तो चल मेरे साथ। तुझे कुछ हो गया तो मान आपके शब्द का अंत मिट जाएगा बेटा। चल। नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। शिवा, शिवा अभी तो तेरी इबारत निकलना बाकी है। नहीं भवानी, मुझे मेरा शिवा सालों बाद मिला है। इसे छोड़ दो, इसे लेके चली जाऊंगी। उठ। नहीं, नहीं उठेगा। सच कह रहा है, खा मेरी कसम। सच्चे दिल की नीयत 100 कसमों से बड़ी होती है माँ।